हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बॉलीवुड सवालों में है और इसी सिलसिले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी बॉलीवुड के बड़े चेहरों से आज पूछताछ कर रहा है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियां हैं, ए लिस्टर्स हैं। इनसे आज एनसीबी सवाल पूछ रहा है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर। हम सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं, जहां श्रद्धा और सारा अली खान से पूछताछ की जा रही है वहां से मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, सारा तो 1 बजे के आसपास पहुंची लेकिन श्रद्धा तो उनसे भी करीब 1 घंटा पहले 12 बजे ही पहुंच गई थी। ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है अभी तक, वो कौन कौन से सवाल जो रखे गए हैं श्रद्धा और सारा के सामने? जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा और सारा अली खान ये दो बहुत महत्वपूर्ण किरदार और दोनों से पूछताछ एनसीबी के दफ्तर में तीसरी मंजिल पर चल रही है। आपको बता दें कि दो अलग अलग टीमें हैं, इनको दो अलग अलग कमरों में बिठाया गया है और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो समीर वानखेड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में, उनकी निगरानी में हो रही है और दो टीमें बनाई गई जिसमें एक एक महिला अधिकारी भी है। श्रद्धा कपूर पहले पहुंची हुई थी 12 बजे के करीब, श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है, उनसे शुरुआती जो सवाल जवाब होते हैं जो प्रोटोकॉल के तहत सवाल जवाब होते हैं वो हो चुका है। इसके बाद अब सीधा मुद्दे पर आए हुए हैं कि इस ड्रग्स चैट से कितना संबंध है आपका। शुरुआती सवाल यही है कि आपने कभी अपने जीवन काल में किसी प्रकार के नशे का सेवन किया है, किसी प्रकार के प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया है, किसी प्रकार का ड्रग्स, वीड, मैरिजुआना कभी भी आपने सेवन किया, कितना नाता है रहा है आपका? अगर आपने किया है तो उसका जवाब दीजिए, नहीं किया है तो फिर ये चैट के बारे में बताइए। और साथ ही साथ आप रिया चक्रवर्ती के बयानों के आधार पर भी कई सारे पूछताछ होंगे और जो ड्रग पेडलर ने नाम लिए हैं उसके आधार पर भी काफी ज्यादा पूछताछ होगी। विशेष तौर पर छिछोरे मूवी की फिल्म की शूटिंग के बाद, जो फिल्म की शूटिंग जिस दिन खत्म हुई थी उसके बाद कथित तौर पर पूरा स्टाफ पावना डैम गया हुआ था, हैंगआउट विला में पार्टी हुई थी और वहां पर ड्रग्स का सेवन हुआ था, क्योंकि वो बयान में आया हुआ है और वो सवाल जवाब श्रद्धा कपूर से हो रहा है। और इसी तरह से बिल्कुल सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है, तो हर नई जानकारी सबसे सटीक अंदाज में आप देख रहे हैं सबसे पहले अपने चैनल एबीपी न्यूज पर।